प्रणाम करता हूँ, दादा बैठे हुए रमेश जी प्रणाम करता हूँ, दादू जी को प्रणाम करता हूँ, अपने कायोपाठ की शुरुआत करता हूँ। अच्छी अच्छी बातें मेरे भाई रजनीश ने आपको बता दी है, मैं अपने कायोपाठ को सीधा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। गांव का श्रृंगार और गांव का भंगार कैसा होता है, चार पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई दापू नजर आए कोई भेरू लाल लगता है, मोहब्बत में पिटाई हो तो झंडू बाम लगता है, कि सच्चा प्यार दुनिया में दिखाई ही नहीं देता, मुझे हर शख्स उल्फत में केजरीवाल लगता है। बहुत ही बढ़िया आप सुन रहे हैं साहब, साहित्य का काम मुकेश तेरे है। मैं साहित्य पढ़ता तो लीजिए साहब, बहुत बढ़िया। मेरे गांव में साहब एक महिला सरपंच बन गई, उसका पति दिल्ली के अंदर मंत्री बन गया, तो गांव की महिला गा के क्या कह रही है कि क्या करते थे नेताजी तुम दिल्ली में रहकर, मैं तो पंचायत में अकेली गपले करते रहते हो, गपले करते रहते हो। तो साहब उसका पढ़ा लिखा पति उसको समझाता और क्या कहता है कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। साहब आज 10 साल के बच्चे के पास आईफोन है, सेलो फोन है। मैं जब 10 साल का था तो मेरी माँ साहब मेरे को मेले में ले जाती थी और एक मोबाइल दिलाती थी जिसके 3 बटन आते थे। पहला बटन दबाने पे आवाज आती थी, चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। और दूसरा बटन दबाने पे आवाज आती थी, डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका, ए ए ए ए ए ए ए। और तीसरा बटन दबाने पे आवाज आती थी, निमुड़ा निमुड़ा काचा पाका निमुड़ा। साहब बहुत प्यारा सुन रहे हैं आप, और मैं तो कहना चाहता हूँ आज मोदी जी का जन्मदिन भी है, तब निवेदन करना चाहता हूँ 8 नवंबर 2016 को मोदी जी द्वारा नोटबंदी की गई। वहां से साहब मेरे गांव के किसान ने मेरे से पूछ लिया कि धनपाल ये बता ड्राफ्ट और चेक में क्या अंतर है। मैंने कहा कि कोई अंतर नहीं है, ड्राफ्ट बीवी की तरह होता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, और चेक गर्लफ्रेंड की तरह होता है जो बाउंस हो सकता है। तब एक पैरोडी आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ कि नोटों की अदला बदली भी धमाल कर गई, 500,000 पर रोक लग गई, अच्छा बजा रहा है। के बाबर मोदी जी तूने कमाल कर दिया, काला धन वालों को हलाल कर दिया, और जिन लोगों ने कहा कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, उन लोगों तक 2 पंक्ति पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि हीरा भाई को लाल देखो हीरो बन गयो, दाऊद और आतंकी देखो जीरो बन गए, सब। आपके मध्य प्रदेश के अंदर अभी 3-4 साल पहले एक किसान आंदोलन हुआ था, तो देश का एक अंतरराष्ट्रीय नेता निम्बाड़ा से मोटरसाइकिल पे बैठ के नया गांव की तरफ आ रहा था, तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज दौड़ा कि कुंवारा आदमी नया गांव नहीं आएगा तो कहां आएगा। तब एक पेरोडी से जोड़ना चाहता हूं, हम 70 सालों से चिल्ला रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, पर 5 अगस्त 2019 को मां भारती के लाडले बेटे ने तिरंगा फहराकर बता दिया कि कश्मीर हमारा है। तब पेरोडी से जोड़ना चाहता हूं कि हिंदुस्तानी शेर है मेरे मोदी जी, देश के प्रधान है मेरे मोदी जी, 56 इंची सीने का कोई तोड़ नहीं है, मोटा भाई मोदी जी की जोड़ न्यारी है, कि हाथ में तिरंगा लेके चला पाकिस्तान में, राफेल वाली मिसाइल लेके चला पाकिस्तान में, कश्मीर सा मुखड़ा देखो आपने सजाया है, मंदिर देखो राम जी का आपने बनाया है। जय हिंद।